अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन और कैमरा, क्या आपको तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर है? वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा। आवाज में किसी भी तरह की कोई डिस्टॉर्शन? डन, शुरू करते हैं ऑडिट की रिवीजन। हमारा 10 दिन का प्लान, और इस 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई भी करवा रहा हूंगा। इसके साथ साथ आपको पास्ट पेपर्स की वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँगा, जो कि ऑटम 2009 से करंट अटेम्प्ट तक की है, यानी कि जो हमारी लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है वहां तक की वीडियोस भी मैं आपको एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि इतना कुछ कवर करना 2 घंटे की क्लास में 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, तो मेन क्लास के अंदर हम लोग फोकस किया करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपके सवालों के ऊपर, और उसके बाद जितना हम लोग कवर करेंगे, जो भी हमारा टारगेट होगा, जो भी हमारा एजेंडा होगा डेली बेसिस का, उसी के मुताबिक आप फिर उसकी पास्ट पेपर्स को देख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये हैंड्स बाय हैंड चलेगा, कुछ हम लोग लाइव कवर करेंगे और कुछ आपको वीडियोस मिल रही होंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में पास्ट पेपर्स की। स्टार्ट करते हैं इस पेपर की ओरिएंटेशन के साथ। और सबसे पहले मुझे जरा ये आप लोग बताएं कि क्या आप लोग ये वाकई में ये पेपर पास करना चाहते हैं? क्या आप लोग नियत करके बैठे हैं कि भाई हमने ये पेपर निकालना है, इसको हमने पास करना है? देखें, इंटेंशंस शुड बी क्लियर एंड कट। अगर तो ये पेपर निकालना है तो फिर ये 10 दिन जो कह रहा हूं वो करते जाएं, ये 10 दिन जो कह रहा हूं करते जाए, क्योंकि फोकस्ड स्टडी हम लोग हमेशा, याद रखिएगा, लास्ट मंथ में कर रहे होते हैं। चाहे आप प्री बैच के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पोस्ट बैच के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक्सप्रेस बैच के हैं, चाहे आपने मेरे से पढ़ा है, किसी और कॉलेज से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आप का फोकस कब बना है इस पेपर को पास करने में, और कब आपकी नियत हुई है कि भैया मुझे इस पेपर को पास करना है। सो इफ यू से इफ यू आर विलिंग, इफ यू आर डिटरमिंड एंड यू आर लुकिंग टू पास द पेपर, लेट मी नो इन द कमेंट्स, जस्ट टाइप यस। जस्ट टाइप यस। तो ये पेपर माशाल्लाह, कहानी को शुरू करते हैं, ओरिएंटेशन की बात करते हैं जनाब। सबसे पहले देखते हैं कि इस पेपर के साथ इश्यूज क्या है, क्या क्या कंसर्न्स हैं इस पेपर को लेके, और किस तरह अब हमें तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने ऑडिट पहले पढ़ा है और उन्होंने कभी पढ़ा था, कभी छोड़ दिया था, कभी दिल नहीं किया, ऑन एंड ऑफ रहे इस पेपर को लेके, परेशान रहे कि यार क्या करें, कब से करें, कितना करें, अगर आप अभी भी इसको स्टार्ट करने लगे हैं, तो यस, इट कैन बी डन। अभी भी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ मेन इश्यूज के ऊपर, जो कि इस पेपर से रिलेट करते हैं, इस पेपर के समझे जाते हैं। नंबर वन इज अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चों को ये पेपर अंडरस्टैंड ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसको क्रैमिंग समझ के रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको लॉजिकल समझ के परेशान होना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये पेपर मिक्सचर है, ये पेपर आपका मिक्सचर है ऑफ क्रैमिंग एरियाज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एरियाज। स्ट्रेट फॉरवर्ड एरियाज भी हैं, लॉजिकल एरियाज भी हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग डेली मिल रहे हैं फॉर द 10 डेज, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं
और फिर आपको बताऊंगा कि भाई आपने उसको याद कैसे कैसे करना है, कितना याद करना है, कहाँ से याद करना है, और फिर उसके रेलिवेंट जो पास्ट और प्रेजेंट उसको आप लोगों ने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, याद हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, समझ आ गई, कॉन्सेप्ट ले लिया, लेक्चर ले लिया, अब क्या करें? यू शुड मेक माइंड मैप्स इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर रिटेंशन। बच्चों को समझ आ जाती है चीज, बच्चों को वो चीज याद नहीं रहती, अपने माइंड में वो चीज रिटेन नहीं कर पाते। इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्लो चार्ट्स बनाने, हम लोग कुछ क्लास के अंदर भी बना रहे होंगे और कुछ आप लोगों ने भी बनाने हैं कि जनाब हर स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से टिपिकल एरियाज हैं, उन टिपिकल एरियाज में क्या क्या बातें डिस्कस हो रही हैं, उन बातों की मजीद एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर इसमें बड़ा एक मजे का पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं जब आप फ्लो चार्ट्स बना रहे होंगे कि कौन सी अटेम्प्ट का ये सवाल है, किस एरिया से है, तो आप उसमें अटेम्प्ट का रेफरेंस भी डाल सकते हैं। आई गेट पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन क्वेश्चन की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आपको सेपरेट कवरेज करवा रही होगी वो पास्ट पेपर्स की वीडियोस। वो कहां पे है, उसका लिंक क्या है, वो मैं आपको दूंगा आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। क्लास में आपको मैंने बता दिया है बट उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा और कल मैं क्लास के अंदर भी आपको वो चीज दिखा दूंगा। फिर राइटिंग इश्यूज भी बच्चों को होते हैं, तो हमने क्या किया है, हमने इसमें 5 स्पेशल टेस्ट ऐड किए। आपको इस रिवीजन 10 दिनों की रिवीजन में 5 अदर स्पेशल टेस्ट भी मिलेंगे जो कि ओपन है। जब आपकी तैयारी हो जाए आपके पास टेस्ट होगा, आपके पास उसका सॉल्यूशन होगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच हमें पता चलेगी कि कौन से एरिया से आए के आपने लॉजिकल सवाल पूछना है, कौन से एरिया से आए के आपने टाइमिंग बेस्ड सवाल पूछना है, कहां से उसने डाटा पूछना है, कहां से उसने सिनेरियोस पूछना है। फिर FAR 2 भी साथ पकड़ी हुई है, कॉस्ट भी साथ दे रहे होंगे, MFA का पेपर भी साथ होगा, या इनमें से कम 2 पेपर तो साथ आपने लाजमी पकड़े होंगे, तो उसके साथ इस पेपर को टाइम देना आप शुरू कर दें। बच्चे FAR 2 में, कॉस्ट में, MFA में न्यूमेरिकल एरियाज के अंदर ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं। न्यूमेरिकल है ना, करते हुए मजा आता है, आपकी फिगर्स मैच हो रही होती है। जब आप थ्योरी देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार क्या अजाब है, रट्टा ही लगाना है ना, एंड पे लगा दूंगा, बाद में कर लूंगा, सुकून से कर लूंगा। तो इस पेपर को अब टाइम दें, आपका आखिरी पेपर है, आपका सेकंड लास्ट पेपर है, इसके साथ 2 और उठाए हुए हैं, 3 और पकड़े हुए हैं, अब इस बेचारे मजलूम पेपर को टाइम देना शुरू कर दें। तो ये कुछ मेन इश्यूज हैं जिनको हम साथ साथ ओवरकम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात करते हैं इसकी ग्रिड के ऊपर, 4 ग्रिड्स हैं। सिलेबस में उतरने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका सिलेबस क्या है और ICAP की क्या पॉलिसी है, किन चैप्टर्स में से ICAP ने कितने मार्क्स की टेस्टिंग करनी है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा गया कि बच्चा एक एरिया को लेकर इतना परेशान होता है और मजे की बात यह है कि उस एरिया में से ICAP के इतने ज्यादा सवाल भी नहीं आए होते, और वो एरिया जो कि आसान है आपको मार्क्स दे रहा होता है, बच्चा उस एरिया को टोटली इग्नोर कर रहा होता है। तो हमें बहुत ही डेलिकेटेड और कंसिस्टेंट रह के चलना पड़ेगा कि जनाब डेलिकेसी हर ग्रेड की कितनी है, कितने मार्क्स हैं, उस ग्रेड में कितने चैप्टर्स हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ग्रेड ए मेरे पास 15 से 25 नंबर की है, इसमें 3 चैप्टर्स आपके शामिल हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13, और हमारा पहला टेस्ट भी इन्हीं चैप्टर्स का होगा, यानी कि ग्रेड ए का होगा, और वो गालिबन संडे को मैं अवेलेबल कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने क्या कवर करना है, आज हम लोगों ने कवर करना है चैप्टर 1 कंप्लीट। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 13, ये 3 एरियाज मिला के आपकी पहली ग्रिड पूरी होती है, ग्रिड ए। ग्रिड बी में आपके पास एक पूरा चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 3, और इसके साथ उन्होंने एक टॉपिक जोड़ दिया है चैप्टर 4 का, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, ISA 230। इसके अलावा 300, 315, 330, 320 और 240, ये सब कुछ आपको मिलेगा चैप्टर 3 के अंदर,
और जब मैं चैप्टर्स का रेफरेंस आपको दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं आईकैप की बुक के चैप्टर्स का रेफरेंस आपको दे रहा हूं। आप किसी और कॉलेज की बुक यूज कर रहे हैं, किसी और टीचर की बुक यूज कर रहे हैं, चैप्टर्स की सीक्वेंस अगर फर्क है तो आपको वो सीक्वेंस आईकैप की बुक के मुताबिक ही मेंटेन करनी है। ग्रिड सी में चले, ग्रिड डी की पहले बात कर लेते हैं। ग्रिड डी 10 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स, और मैं ये कह सकता हूं कि 10 से 15 केस स्टडीज के मार्क्स है, क्योंकि यहां से उसने आपसे 705 706 की टेस्टिंग करनी है, यानी के रिपोर्ट और उसकी ओपिनियन की टेस्टिंग यहां से होगी। ये बताइए किस तरह की ओपिनियन आप दे रहे होंगे, रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा होगा, ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या होंगे, 705 706 के मुताबिक क्या रिपोर्ट खराब होगी या नहीं होगी, अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड की सारी बातें यहाँ पे कवर होती है। इसके साथ साथ 700 भी है और 701 भी, यानी कि चैप्टर नंबर 14 की 700 सीरीज, चैप्टर 14 की 700 की सीरीज। और इसके साथ उसने जोड़ दिया है चैप्टर नंबर 15, और उसने कहा कि मैं 10 से 15 नंबर तक की टेस्टिंग यहां से कर रहा हूं। चैप्टर 1 कवर हो गया, चैप्टर 2 कवर हो गया, चैप्टर 13 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 4 का एक टॉपिक कवर हो गया, 14 हाफ कवर हो गया, 15 पूरा कवर हो गया। किताब में चैप्टर्स हैं 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक चैप्टर्स हैं। बाकी जितने एरियाज हैं जो के रह गए हैं, आई के आपने उठा के सारे के सारे ग्रेड सी में डाल दिए, और उसकी वेटेज रखी है हाफ ऑफ द पेपर, 45 से 55 ऑन एवरेज 50 नंबर, ऑन एवरेज 50 नंबर। अब देखिए चैप्टर 4 इसमें आएगा, 5 इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा, 7 8 9 10 11 12 के बाद 14, 14 में 500 सीरीज आ जाएगी। इसमें 500 सीरीज के अंदर 560 है, 570 है और 580 है, तो चैप्टर 14 से आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ कंट्रोल्स, आईटी वाले एरिया, सारे के सारे एरिया उसने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिए इस ग्रेड सी में, यानी कि उसने इतना हैवी मार्जिन दे दिया ग्रेड सी को कि वो यहां से कुछ भी टेस्ट कर सकता है, उसके पास आधे पेपर की अपॉर्चुनिटी है। तो एक हाफ आ रहा होगा 1, 2, 13, 3 और 14 का कुछ एरिया प्लस 15, और बाकी आधी बुक बल्कि ज्यादा ही चैप्टर्स हैं जो कि आधे नंबर आपको कवर करवा के देंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हर पेपर के अंदर कुछ सवाल जो कि बहुत टिपिकल है वो हमेशा से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जैसे कोड ऑफ एथिक्स का सवाल, जैसे कंट्रोल्स का सवाल, जैसे रिस्क का सवाल, जैसे सब्सटेंटिव के कुछ एरियाज, जैसे रिपोर्ट्स के सवाल। तो ये 5-6 सवाल तो टिपिकल सवाल है जो कि मस्ट आने हैं, और उसके बगैर आपका पेपर बन ही नहीं सकता। अगर आप इन एरियाज में वीक हैं, अगर आपको इन एरियाज में इश्यूज हैं, अगर आप इन एरियाज में कंफर्टेबल नहीं है, तो आई गेस आपको अब इसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये ग्रेड सबको क्लियर होने चाहिए, ग्रेड ए बी सी और डी, कौन से ग्रेड में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स की क्या वेटेज है, क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर एक सवाल होता है कि सर क्या आईकैप अपने ग्रेड को फॉलो करता है? जी बिल्कुल करता है, और इसका सबूत अभी मैं आपको देता हूं। जब से न्यू स्कीम आई है ना, तब से 2 अटेम्प्ट हो चुकी है, स्प्रिंग बाइस की और ऑटम बाइस की। अभी मैं इससे पीछे आपसे बात नहीं कर रहा। ग्रेड ए में उसने कहा था कि आपको 15 से 25 मार्क्स की टेस्टिंग दूंगा, तो जनाब 15 से 25 उसने कहा है, 18 नंबर, 19 नंबर। उसने कहा था मैं ग्रेड बी 15 से 20 नंबर की टेस्ट करूंगा, तो जनाब 20 नंबर, 20 नंबर। ग्रेड डी 10 से 15 कहा था, तो जनाब 15 नंबर, 14 नंबर। ग्रेड सी 45 से 55 तकरीबन 50 के एवरेज, 48, 46। तो यस, आईकैप 100% अपने ग्रेड को फॉलो करता है, और अगर वो अपने ग्रेड को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि यू हैव
एन एडवांटेज कि आपको पता है कि आपका दुश्मन किस एंगल से आ रहा है, आपके दुश्मन ने आपसे कौन से सही सवाल पूछने हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यू कैन प्रिडिक्ट कि आपका जो एनिमी है वो किस एंगल से आप पे स्ट्राइक करने जा रहा है। तो उसी के मुताबिक, उसी की सोच को पढ़ते हुए आप ये पेपर निकाल सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ी सी नीयत चाहिए, थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए, थोड़ा सा बीच में स्मार्ट वर्क भी चाहिए और ये पेपर आप निकाल पाएंगे इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट एरियाज मैं साथ साथ भी बताता रहूंगा, सेशन एंड के ऊपर दोबारा से भी आपको बता रहा हूंगा। तो एक दफा ये ग्रिड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव रहे और आप उसको देखते रहें। अभी इस सेशन के अंदर नोट्स मैंने अटैच नहीं किए, वो मैं आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँगा शाम के टाइम पर, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस है तो जैसे वहां से फ्री होगा मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको। यहां तक बात समझ आ गई, कुछ बातें क्लियर हुई हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आया, कुछ जज्बा करने का आया कि यस यार हो सकता है ये पेपर मैं पास करके दिखाऊंगा, ये चीज आपके माइंड में आई है, ये बहुत जरूरी है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द डे वन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द डे वन यू कैन इजिली पास द पेपर। ओके नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आए के आपने रटा पूछना है और कहाँ से आए के आपने एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछने हैं, और कौन से वो एरियाज हैं जहां से आए के आप दोनों तरह के सवाल मिक्स्ड फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर वाइज अगर हम चलें तो चैप्टर नंबर वन में आपको मिलते हैं दो एरियाज। आज हम दोनों के ऊपर बात करेंगे, आईजा 200 के ऊपर भी बात कर रहे हैं और कंपनीज एक्ट के ऊपर भी बात कर रहे हैं। जो आपका आईजा 200 है दैट इज प्योर नॉलेज बेस्ड, दैट इज प्योर नॉलेज बेस्ड। और जो कंपनीज एक्ट का पोर्शन है दैट इज प्योर लॉजिकल बेस्ड, प्योर लॉजिकल। इसी तरह चैप्टर टू कंप्लीट चैप्टर आप नॉलेज बेस्ड में कवर करते हैं, यानी कि यहां से आके अपने आप को रट्टा टेस्ट करके देना है। चैप्टर थ्री पहला यूनिट और आखिरी यूनिट नॉलेज बेस्ड है, रिस्क असेसमेंट एप्लीकेशन बेस्ड है और फ्रॉड से दोनों तरह के सवाल एक्सपेक्टेड है। चैप्टर फोर में सैम्पलिंग को छोड़ के बाकी सारा का सारा चैप्टर जिसमें एविडेंस की बातें हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, नॉलेज बेस्ड है और सैम्पलिंग से आप दोनों तरह के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर फाइव कंप्लीट नॉलेज बेस्ड है, सिक्स में से दोनों तरह के सवाल आ सकते हैं, सेवन में आपको रेशियो एनालिसिस एक इंटरेस्टिंग एरिया है वहां से मिक्स सवाल आ सकते हैं, एट नॉलेज बेस्ड, नाइन के अंदर आपको दो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं 501 और 505, वो मिक्स सवाल कर सकता है वहां से, 10, 11, 12 ये तीनों चैप्टर्स नॉलेज बेस्ड हैं, 13 में थ्रेट सेफगार्ड्स जो कि आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वहां से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ सकते हैं, 14 की भी डिस्ट्रीब्यूशन बड़े मजे की है, 705, 706 एप्लीकेशन बेस्ड है, 700 और 701 नॉलेज बेस्ड है, 565, 75, 80 मिक्स सवाल, और चैप्टर 15 बेचारा सारा का सारा नॉलेज बेस्ड है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब आप चैप्टर को तैयार करने लगे तो आपको पता हो कि यार ये वो एरियाज है जहां से इस तरह का सवाल आता है, ये वो एरियाज है जहां से उस तरह का सवाल आता है, ताकि आपका माइंड क्लियर हो, आपको पता हो कि यार जो चीज मैं तैयार करने जा रहा हूँ वो मैंने इस एंगल से तैयार करनी है। रट्टे वाले एरिया को तैयार करना शुरू करते हैं आप लॉजिकली, तो फिर आप अपने आप का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। पता होना चाहिए कि यार मेरा दुश्मन कहाँ है, क्या स्ट्रेटेजी वो लेकर आ रहा है और मुझे कैसे उसको ओवरकम करना है। याद है मुझे बताइए, बात क्लियर है, बात समझ आ गई है, कुछ मोटिवेशन, कुछ बिल्डअप हुआ, फोकस्ड चीजें सामने आई हैं। अभी हमने पूरे सेशन में बहुत बातें करनी है बट यहां तक डाउन तो नहीं हुआ कि यार सन्नत वादो साथ ही हमें परेशान कर दिया है, ये हो गया वो हो गया, ऐसी बात तो नहीं है। फिक्र नहीं करना, एक बच्चे ने कहा कि सर फिक्र होने लगा है, फिक्र नहीं करना, पता है
फिक्र जब आप करते हैं ना तो आप में स्ट्रेस इंक्रीज होता है, माइंड परेशान होता है। रिलैक्स रहें, बिल्कुल चिल रहें, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप डेली बेस का टारगेट मीट करते जाएं, और सेशन एंड के ऊपर आप जब आप अपने आप को रीअसेस करेंगे कि भाई 10 दिन पहले मैं क्या था, 10 दिन के बाद मैं क्या हूं, तो आपको बहुत 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 चेंज नजर आएगा। और मजे की बात यह है कि 10 दिन के बाद भी आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम और होगा उसी को दोबारा से रिवाइज करने का। फिर हमने मॉक भी लेना है, फिर शायद एक के बजाय 2 मॉक्स के भी चांसेस हमेशा से होते हैं और मैं करता भी होता हूं। तो डूएबल है, कंट्रोलेबल है, करें, कसम से ये हो जाता है अगर आपकी नीयत साफ हो और अगर आप डेली बेस के ऊपर कंसिस्टेंट रह के चले, पॉसिबल है। डेली कितना टाइम दें इस पेपर को, इस पेपर को क्लास के अलावा प्लस वो पास्ट प्लस के लेक्चर्स के अलावा 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए। जितना पढ़ा है उसको 2 घंटे में आपने तैयार करना है, लेक्चर का टाइम प्लस उन वीडियोस का टाइम निकाल के जो 2 घंटे आपके पास बचे हैं वो आप शाम में दे दें, रात में दे दें, वो 2 घंटे उसको दें ताकि आप इतना अपना पेपर निकाल सकें। अच्छा एक बात बताइए, आपसे एक सवाल पूछते हैं। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं अर्ली राइजर्स, एक होते हैं रात को पढ़ने वाले। आप कौन से लोग हैं? क्या आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं या आप सुबह पढ़ना पसंद करते हैं? या अर्ली होंगे या लेट होंगे, ये जो मिक्स वाले हैं ना ये अपने साथ ज्यादती करते हैं, मिक्स वाला काम बहुत खराब है। लेट नाइट, सुबह सुबह, रात, डे टाइम में, सर मिक्स, सुबह 3 बजे, रात को पढ़ने वाले, मॉर्निंग पीपल, ऑलवेज अ नॉक्टर्नल, सर मैं दिन को पढ़ता हूँ। आपको मैं कुछ टाइम स्लैब्स बताता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगे। आपने क्या करना है, दो दो तरह के लोग होंगे, इसमें तीसरे तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो आप अर्ली राइजर्स हैं या आप रात को लेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो ये जो बोथ है ना ये अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, ये किसी प्रोडक्टिव काम में है ही नहीं, ये बिल्कुल फारिग लोग हैं। जो अर्ली राइजर्स हैं 5 से लेके 8 बजे तक, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके पास मिनिमम डिस्टरबेंस होती है घर में। मिनिमम डिस्टरबेंस होती है घर में, आपको घर वाले भी कोई काम नहीं कह रहे होते, आपके दोस्त भी सोए होते हैं, व्हाट्सएप पे भी कोई एक्टिविटी नहीं होती, फेसबुक पे पुरानी चीजें आ रही होती हैं। कोशिश करें कि इस टाइम का फायदा उठाएं 5 से 8 का। और वो लोग जो कि रात लेट काम करने के आदी हैं, तो रात को 1 से लेके 4 बजे तक का टाइम, 1 से लेके 4 बजे तक का टाइम, उसके बाद नमाज पढ़ें और सो जाएं। तो सुबह वाले लोग सुबह 5 से 8, रात लेट वाले बच्चे रात 1 से 4। अच्छा कुछ इसमें वो शहजादे भी हैं जिनकी फर्म भी है, उन्होंने अपने आर्टिकल शुरू कर दिए हुए हैं बीकॉम बेस पे, तो मुझे जरा बताइए कि फर्म वाले बच्चे मैक्सिमम घर से निकलते हैं 9 बजे, कोई ऑफिस नहीं है जो कि 9-10 पे आपको एंटरटेन कर रहा हो, क्लाइंट ही आपको बहुत लेट बुला रहा होता है, तो ये जो टाइम है ना 5 से 8, चले 5 से 8 अगर आपको नहीं सूट कर रहा आप 4 से 7 कर लें, यू कैन गो फॉर 4 to 7। मगर ये टाइम स्लैब अपने लिए रखें ताकि आप ये पेपर निकाल सकें। हमारी क्लास होगी 9 से 11, तो चाहे आप 1 से 4 रात वाले हैं, चाहे आप हमारी क्लास से पहले वाले हैं, आपके पास दोनों तरफ का एडवांटेज है। अपनी पढ़ाई की, कल का रिवाइज किया, लाइव क्लास ले ली,
यहां पे रिवाइज किया, सो गए, उठ के लाइव क्लास ले ली। तो इस तरीके से अब हमें चलना पड़ेगा। अब बातें हम लोगों ने कर ली हैं रिगार्डिंग ओरिएंटेशन, तो मुझे बताइए आपके कोई सवाल जो आप कोई क्यूरीज हैं तो पहले हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, और फिर 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, कोई सवाल? कोई सवाल? जितना भी टाइम देना चाहे चले, आप अगर घंटा भी दे रहे हो ना, तो एक घंटा आपने इसको साइड पर रख के देना। ये क्या है, इसको हम प्यार से मोबाइल कहते हैं। तो ये जो एक घंटा भी अगर आप अपने पेपर को दे रहे हैं ना, तो इसको आपने ऐसे साइड पर रख के देना था। फिर बार बार ये नहीं चेक करना कि भाई व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा है, मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है या नहीं आया, ये नहीं सोचना। सर 44 पे फेल हुआ, क्या रीजन है? राइटिंग, शायद एग्जामिनर आपकी बात सही से समझ नहीं पाया। पता है 44 पे फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप 6 मार्क्स से फेल हुए हैं। 44 पे फेल होने का मतलब ये है कि आपने 56 मार्क्स लूज किए, आपने 56 नंबर लूज किए। अच्छा, वॉइस में कोई लैग तो नहीं आ रहा किसी को भी? आवाज, कैमरा, स्क्रीन सिंक है? ये सिंक है ना, क्योंकि एक बहन को आवाज लेट आ रही है, मेरे ख्याल से फिर आपके नेट का इशू है। जिनको आवाज में मसला आ रहा है ना, वो अपना नेट एक दफा दोबारा से देख ले, आपके एंड पे इश्यूज है, क्योंकि बाकी सब कुछ सिंक आ रहा है। ठीक है, 9:45 पे आपसे 3 मिनट के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट की ब्रेक है आप सबको। 9:45 चैप्टर 1।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं चैप्टर वन, इसकी रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है। चैप्टर वन क्या है? चैप्टर वन बेसिकली बात करता है बेसिक्स के ऊपर। चैप्टर वन इज ऑल अबाउट बेसिक्स, प्लस ये बात करता है अपॉइंटमेंट की विद रिगार्ड टू कंपनीज एक्ट। यानी कि चैप्टर वन सबसे पहले आपको बताता है कि ऑडिट क्या है, अश्योरेंस क्या है, ऑडिट किन किन तरीकों से किया जाता है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे गाइड करता है कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, आईफैक क्या है, इस तरह की बातें कर रहा है आपके साथ। और उसके बाद वो आपको बताता है कि जनाब एज पर कंपनीज एक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि चैप्टर वन कवर करने के बाद अगले सारे के सारे चैप्टर्स ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट आपकी अपॉइंटमेंट वैलिड है। ये बात बहुत जरूरी है। चैप्टर वन कवर करने के बाद अगले जितने चैप्टर्स हैं वो इस अजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट आपकी अपॉइंटमेंट वैलिड है। बेसिक्स को डील करता है आपका आईएसए 200। आइजा दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स एंड नीड फॉर ऑडिट एंड इंश्योरेंस। चैप्टर का नाम ही ये है कि जनाब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे और क्यों हमें ऑडिट करवाना चाहिए, क्यों हमें अश्योरेंस की असाइनमेंट लेनी चाहिए, क्या उसकी नीड है वो समझते हैं। सबसे पहला सवाल, ऑडिट क्या है? ऑडिट क्या है आपसे पूछता हूं, ऑडिट क्या है सोचें, दिमाग पर जोर डालें, थिंक व्हाट इज एक्चुअली ऑडिट। क्या है ये ऑडिट, क्यों है ये ऑडिट, क्या है ये ऑडिट, क्यों है ये ऑडिट, क्या होता है ये ऑडिट, सोचें, जांच करना, चेक करना, देखना, परखना, असेस करना, सबूत हासिल करना, समझना, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, एनालाइज करना, देखना, ये ऑडिट है। ये क्या है? ये ऑडिट है। नॉर्मल क्लास के अंदर मैं एक मिसाल देता हूं कि लेट्स सपोज आपको आपकी वालदा ने कहा कि बेटा मुझे बाजार से दही ला दो, और उन्होंने आपको 100 रुपया दे दिया। आपने 100 रुपया बड़े मजे से जेब में डाला और आप बाजार की तरफ चल दिए कि जी मैं तो दही लेने के लिए जा रहा हूं। दही आया 80 रुपए का, ये मैंने घड़ी उतार दी है, अब जरा सीधे हो जाए। दही आया 80 रुपए का। जब 80 रुपए का दही आया तो आपके पास बचे 20 रुपए। आपने कहा यार 20 रुपए मेरे पास हैं, 20 रुपए कि मैं चिप्स खाता हूं। आपने क्या किया, आपने 20 रुपए दुकानदार को दिए, उससे 20 रुपए की चिप्स ली और आप जनाब चिप्स खाते खाते घर आ रहे हैं। घर पहुंचे, आपने वालदा को कहा कि अम्मी जी ये ले दही। अम्मी ने दही पकड़ा और कहा बेटा वो बाकी पैसे। आपने कहा अम्मी दही 100 रुपए का है। अम्मी ने कहा अच्छा, कल की खबर में तो ये बताया गया था कि दही 70 रुपए से बढ़ के 80 रुपए का हो गया, ये तुम कौन सी दुकान से 100 रुपए का लेकर आए हो? आप परेशान। आपने कहा अब क्या कहूं। आपने कहा ओ हो अम्मी, हाँ आप सही कह रही हैं, वो ना असल में 80 रुपए का ही था, वो मैंने दुकानदार से कहा था कि 100 का कर दे। वालदा ने कहा अच्छा बेटा,
वो भी ठीक है, मगर ये बताओ कि जो तुम्हारे शर्ट के ऊपर ये जो लाल रंग का निशान है ये कहां से आया? आपने निशान देखा और आप मुझे परेशान हो गए। ये बेसिकली अम्मी ने क्या किया है? ये अम्मी ने जो आपसे सवाल किए हैं ये क्या है? ये अम्मी ने आपको असेस किया, ये अम्मी ने आपको ऑडिट किया, ये उस 100 रुपए का ऑडिट है, ये उस 100 रुपए का ऑडिट है जो कि अम्मी ने आपसे किया। पता है इस बेसिक सी मिसाल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। अम्मी का आपको 100 रुपया देना, अम्मी का आपको 100 रुपया देना, दैट इज एज इक्वल एज मैनेजमेंट का आपको अकाउंट्स देना। अम्मी का 100 रुपया देना इज एज इक्वल एज मैनेजमेंट का आपको अकाउंट्स देना। आपका उस 100 रुपए में से 20 रुपए की धांधली करना इस एज इक्वल एज के उन अकाउंट्स में कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई परेशानी है। आपका उस 20 रुपए को छुपाना, आपका उस 20 रुपए को छुपाना इस एज इक्वल एज मिसस्टेटमेंट को किस तरीके से आप हाइड कर रहे होते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर पर्दा डाल रहे होते हैं। अम्मी का आपसे ये कहना कि 70 रुपए से बढ़ के दही 80 रुपए का हो गया है, दैट इज एज इक्वल एज अम्मी नोस कि जनाब अकाउंट्स जो बने हैं वो किस फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हैं। फिर अम्मी का आपसे ये सवाल करना कि तुम्हारे ये शर्ट के ऊपर ये जो लाल रंग का निशान है ये कहां से आया, दैट इज एज इक्वल एज कि अम्मी ने आप पे सब्सटांटिव प्रोसीजर्स लगाए। अम्मी ने आपसे 3 सवाल किए, वो तीनों सवाल क्या थे? सब्सटांटिव प्रोसीजर्स थे। अम्मी ने आपको असेस किया कि आप किस एंगल से बात करें, तो अम्मी ने आपका ऑडिट कर दिया और चूंकि आपने झूठ बोला, आपने फ्रॉड किया, आपने 20 रुपए की करप्शन की, आपकी जो रिपोर्ट अम्मी की नजरों में बनी है दैट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ क्वालिफाइड ओपिनियन। तो बेसिकली ऑडिट क्या है? ये एक एग्जामिनेशन होती है अकाउंट्स की जो कि ऑल्टर करता है ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स बाय एन एंटिटी, सॉरी बाय एन ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के बनाए हुए अकाउंट्स को देखना ऑडिट कहलाता है। मेन ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक ऑडिट का? एक ऑडिट क्यों होता है कि ऑडिट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ऑडिट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहा होता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या वो अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। साथ में आप ये असेस करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हैं या नहीं बने। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन, एंटिटी, एग्जामिनेशन, अकाउंट्स, इतने सारे अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, जरा एक एक करके इनको ऊपर बात करते हैं। मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? किन किन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं? जी बताइए जरा क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, नोट्स, कैश फ्लोस, एक्विटी, इन सब को जब आप लोग कंबाइन करते हैं तो वो कहलाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं किसी फ्रेमवर्क के ऊपर, किसी मॉडल के ऊपर। पाकिस्तान में जरा मुझे बताइए कौन सा फ्रेमवर्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अकाउंट्स बनाने के लिए? पाकिस्तान के अंदर कौन सा फ्रेमवर्क है जिसके मुताबिक अकाउंट्स बनाए जाते हैं? उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है?
पाकिस्तान के अंदर याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ IFRS नहीं है, इसके साथ आप कंपनीज एक्ट का चौथा और पांचवा स्केड्यूल फॉलो करते हैं, कंपनीज एक्ट का फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक आप अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं। ये जो नॉर्मल एक मिसकंसेप्शन बच्चों के माइंड में होती है कि जनाब सिर्फ और सिर्फ ये IFRS है, ऐसा नहीं है, IFRS के साथ कंपनीज एक्ट के फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल शामिल है। ठीक हो गया जी, तो ये तो हो गया पाकिस्तान के अंदर यूज होने वाला फ्रेमवर्क। अच्छा ये एक बात बताइए, क्या ये सिर्फ वाहिद यही दो फ्रेमवर्क है पूरी दुनिया में या और भी फ्रेमवर्क होंगे? डेफिनेटली और भी हैं। इंडियंस अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, यूएस वाले यूएस गैप यूज करते हैं, आयरिश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, श्रीलंका के अपने स्टैंडर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने स्टैंडर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं ये मुख्तलिफ हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर जो एप्लीकेबल है वो IFRS है और कंपनीज एक्ट के फोर्थ और फिफ्थ स्केड्यूल है। ये बात सबको समझ आ गई। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर मेरी कंपनी ने मेरे क्लाइंट ने अकाउंट्स बनाए हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर मेरे क्लाइंट ने अकाउंट्स बनाए हैं तो मैं कहूंगा जनाब तुमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो फॉलो किया है मगर वो पाकिस्तान के अंदर यूज नहीं होता, तुम्हें अकाउंट्स IFRS के मुताबिक बनाने चाहिए, तुम्हें अकाउंट्स IFRS और कंपनी एक्ट के मुताबिक बनाने चाहिए। ये जो अकाउंट्स तुमने बनाए हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स वो गलत है, मैं इनको नहीं मानता। अच्छा ये बताइए, ये जो आपकी ICAP की बुक करती है FAR1 की FAR2 की या CFAP1 की, क्या वो कोई फ्रेमवर्क है या नहीं है? क्या वो फ्रेमवर्क है या नहीं है? वो फ्रेमवर्क नहीं है, वो फ्रेमवर्क नहीं है। आपकी जो किताब है वो स्टैंडर्ड्स को समराइज करके बताती है। ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स का साइज आपने देखा होगा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स का साइज आपने देखा होगा। आपकी किताब में एग्जाम्पल्स हैं, पास्ट पेपर्स के सवाल हैं और सारे के सारे पैराग्राफ्स नहीं हैं, उन पैराग्राफ्स की कुछ समरीज हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपसे टेस्ट नहीं किए जाते। ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स आर वे मच लार्जर देन दोस विच आर प्रेजेंट इन योर बुक। तो कोई किताब फ्रेमवर्क नहीं है, किताब इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस, किताब इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस। आपका क्लाइंट, आपकी कंपनी ICAP की बुक को या BCom की बुक को या MCom की बुक को उठा के या किसी हिंदू राइटर की बुक को उठा के अकाउंट्स नहीं बनाते, वो ओरिजिनल फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं विच इज IFRS एंड कंपनीज एक्ट। उसमें IFRS जरूर है मगर किताब के अंदर समराइज्ड फॉर्म में है, याद रखिएगा। ओके, हम लोगों ने बात कर ली कि जनाब IFRS क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। आगे चलते हैं, तीन बातें हैं, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, एजेंसी। मुझे बताइए अकाउंट्स बनाना जिम्मेदारी किसकी है, अकाउंट्स कौन बनाता है? थोड़ा सा आपने एक्टिव रह के सोचना है और एक्टिव रिस्पॉन्स देना है। अकाउंट्स कौन बनाता है जल्दी में? मैनेजमेंट बनाती है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंट्स बना के क्या खुद वेरीफाई करती है या आगे किसी को वेरिफिकेशन करने के लिए भेजती है? मैनेजमेंट ने, अकाउंटेंट्स ने अकाउंट्स बना दिए, अब वो अकाउंट्स उन्होंने आगे प्रेजेंट करने होते हैं, देने होते हैं जनरल पब्लिक को और शेयर होल्डर्स को, मगर वो जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंट्स ऑथेंटिकेटेड नहीं होते, वेरीफाइड नहीं होते। तो उसको ऑथेंटिकेट करवाने के लिए हम बुलाते हैं बाहर से ऑडिटर को कि भाई तुम आओ और आके इन अकाउंट्स को वेरीफाई करो। ये लेट्स सपोज एक कंपनी है, लेट्स से ये एक कंपनी है और इस कंपनी की मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए, ये अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी।
कंपनी के जो मालकान है, जो कंपनी के दो स्टार जो गवर्नेंस है, जो बोर्ड है, वो घर बैठा हुआ, वो सेठ है। अब उसको ये नहीं पता कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं ये सही बने हैं या नहीं बने, तो इसने क्या किया, इसने बाहर से थर्ड पार्टी एक बंदा, एक फर्म अपॉइंट की और कहा कि भाई तुम जाके ये अकाउंट्स वेरीफाई करो कि क्या ये अकाउंट सही बने हैं या नहीं बने। उस बंदे का नाम है ऑडिटर, उस बंदे का नाम है ऑडिटर। ये जो ऑडिटर भाई आएगा, ये किसका नुमाइंदा है, ये किसका नुमाइंदा कहलाएगा? क्या ये मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई शेयर होल्डर तो हजारों हैं, करोड़ों हैं, लाखों हैं। किसी ने 2 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने 2 लाख की है, किसी ने 2 करोड़ की है, किसी ने 20 करोड़ की है। तो हर शेयर होल्डर की नुमाइंदगी एक सिंगल फर्म, एक सिंगल ऑडिटर कर रहा होता है। अच्छा, ये जो आपका शेयर होल्डर है, डू यू थिंक कि ये अकाउंटेबल भी है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स? ये जो आपका ऑडिटर है, क्या ये अकाउंटेबल है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स? बिल्कुल ये अकाउंटेबल है। अच्छा, क्या मैनेजमेंट अकाउंटेबल है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स? क्या मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए हैं कि भाई ये हमारे पैसे हैं, तुमने इसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, तुमने इसके साथ कंपनी को चलाना है? क्या वो अकाउंटेबल है? अकाउंटेबल तो है। अच्छा, एसेट्स क्या शेयर होल्डर्स के पास होते हैं कंपनी के या डायरेक्टर्स के पास होते हैं कंपनी के? जो कंपनी के अंदर एसेट्स है, कैश है, गाड़ी है, प्लांट है, प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर्स है, व्हीकल्स है, कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, किसके इस्तेमाल में होते हैं? राइट ऑफ यूज किसके पास होता है? राइट ऑफ यूज किसके पास है? बड़ों के पास, डायरेक्टर्स के पास। डायरेक्टर्स ने पैसा लिया जनरल पब्लिक से और उस पैसे को अब उन्होंने इस्तेमाल करना है, उस पैसे को इस्तेमाल करके उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना है। इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स अकाउंटेबल कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं डायरेक्टर से कि भाई तुमने हमारा पैसा कहां पे खर्च किया। और चूंकि डायरेक्टर के पास तमाम एसेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक स्टीवर्ड का रोल प्ले कर रहा है। ही इज लुकिंग आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स की बिहाफ पे कंपनी के एसेट्स को कंट्रोल करके बैठा है। भाई पैसा है शेयर होल्डर का, दिया है डायरेक्टर को, डायरेक्टर अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टर एजेंट है शेयर होल्डर्स का, वो शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है। इसी तरह ऑडिटर भी एजेंट है शेयर होल्डर्स का, कि उसने जो रिपोर्ट बनानी है वो शेयर होल्डर्स के लिए बनानी है, जनता के लिए बनानी है, अवाम के लिए बनानी है, अवामुन्नास के लिए बनानी है। तो एजेंट, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो ऑडिटर हो, दोनों को बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। और दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दैट इज जनरल पब्लिक या शेयर होल्डर। बात समझ आई? अकाउंटेबिलिटी, एजेंसी, स्टेवरशिप क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी हैव 3 more areas टू कवर, इंडिपेंडेंस, मटीरियलिटी, ट्रू एंड फेयर। स्टेवरशिप क्या होता है, एक बार दोबारा सुन लें, स्टेवर्ड क्या है? स्टेवर्ड कहते हैं वो शख्स जिसके पास कंपनी के एसेट्स हैं और वो कंपनी के एसेट्स को कंपनी के मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। स्टीवर्ड कहते हैं ड्राइवर को, वो शख्स जो के चलाता है, वो शख्स जो के डिसीजन में कर रहा है, वो शख्स जो के लोगों के पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, स्टीवर्ड। अच्छा, इंडिपेंडेंस, मटीरियलिटी, ट्रू एंड फेयर, ये 3 फीचर्स हैं जो कि आपको हर ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं, ट्रू एंड फेयर, मटीरियलिटी और इंडिपेंडेंस।
भाई जो ऑडिटर आया है कंपनी का ऑडिट करने के लिए, वो ऑडिटर याद रखिएगा, ही हैज टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो आपको कभी भी सही ओपिनियन की तरफ लेकर नहीं जाएगा। ही हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपकी रिपोर्ट खराब कर रहा है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो कंपनी का साथ देगा और शेयर होल्डर्स के पैसे को डुबा देगा, वो फिर गलत को सही साबित कर रहा होगा। तो ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत 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 जरूरी है। उसको किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में, प्रेशर में नहीं आना चाहिए टुवर्ड्स डायरेक्टर। फिर हमने पीछे पढ़ा था कि एक ऑडिटर ने क्या करना होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि वो देखता है कि ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो मैं ओपिनियन देने जा रहा हूँ ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हूँ। उसने ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। भाई ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? ट्रू कहते हैं वो चीज जिसमें एरर ना हो, और फेयर कहते हैं वो चीज जिसमें किसी भी तरह की बायसनेस ना हो और वो सही तरीके से प्रेजेंट हुई। एक मिसाल आपको देता हूँ, तुमको बात समझ आ जाएगी। एक गाड़ी है, 13 लाख रुपए की गाड़ी, और कंपनी ने उस गाड़ी को क्लासिफाई किया है एज करंट एसेट। मुझे बताइए क्या ये क्लासिफिकेशन सही है? क्या गाड़ी को हम लोग करंट एसेट में क्लासिफाई करते हैं? क्या गाड़ी को करंट एसेट में रखा जाता है? नहीं। गाड़ी क्या है? एज पर IAS 16 गाड़ी को हम कहां पे क्लासिफाई करते हैं? नॉन करंट एसेट। गाड़ी को हम कहां पे रखते हैं? नॉन करंट एसेट के अंदर रखते हैं। अच्छा, क्या गाड़ी की वैल्यू 13 लाख है? अकाउंट्स में भी 13 लाख शो हो रही है, क्या वैल्यू में तुमने मसला नहीं किया? वैल्यू सही है। इसका मतलब है कि ये ट्रू है मगर फेयर नहीं है। ट्रू है फेयर नहीं है। वैल्यू सही दी हुई है मगर उसकी फेयरनेस आउट कर दी है, उसकी फेयरनेस आउट कर दिया। 13 लाख की गाड़ी कंपनी ने रिकॉर्ड की है 7 लाख में और उसको नॉन करंट एसेट का पार्ट बनाया। 13 लाख की गाड़ी थी, रिकॉर्ड कर दी है 7 लाख के ऊपर और उसको नॉन करंट एसेट का पार्ट बना दिया। अब मुझे बताइए क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ट्रांजेक्शन या नहीं दे रही? और अगर नहीं दे रही है तो इशू कहां पे है, ट्रू में है या फेयर में है? अब ये ट्रू नहीं है, प्रेजेंटेशन वाइज फेयर है, वैल्यू सही नहीं आ रही है। प्रेजेंटेशन वाइज सही है मगर उसकी वैल्यू सही नहीं है। तो दोनों केस अगर खराब है या कोई एक केस अगर खराब है, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट है। आपके अकाउंट्स के अंदर क्या है? मिसस्टेटमेंट है। तो अकाउंट्स ट्रू भी होने चाहिए, यानी कि गाड़ी जो 13 लाख की है वो 13 लाख की आनी चाहिए और उसके साथ साथ उसको फेयरली प्रेजेंट भी होना चाहिए, उसको नॉन करंट एसेट का पार्ट भी बनाना चाहिए। तो यही चीज ऑडिटर ने जाके देखनी होती है कि क्या वाकई में अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देन कम्स मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या है? वो बेंचमार्क जो कि ऑडिटर भाई सेट करते हैं जाके, जिससे ऊपर अगर कोई मसला आ रहा है तो वो कहेगा कि जनाब ये मसला तो मुझे लाजमी ठीक करना है, और अगर वो बेंचमार्क से नीचे के कुछ इश्यूज हैं तो ऑडिटर उसको सुकून से साइड पर रख देता है और कहता है कि जनाब इसमें बाद में गौर फिक्र करूंगा। इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे जब चैप्टर नंबर 3 को हम लोग अनफोल्ड कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना समझ लें कि मटीरियलिटी क्या है, एक बेंचमार्क, एक बेंचमार्क सेट कर दिया और ऑडिटर ने, जिसके ऊपर अगर गलतियां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि यहां पे मुझे फिक्र करनी चाहिए, और अगर गलतियां इससे नीचे की तरफ है तो ऑडिटर उन गलतियों को, अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं भी कर रही तो वो इनको एक साइड पे जमा करता जाता है और कहता है कि यार मैं इसको बाद में देख लूंगा। इतना समझ लें फॉर द टाइम, बाकी चीजें हम चैप्टर नंबर 3 में अनफोल्ड कर रहे हैं मटीरियलिटी की। नेक्स्ट,
कंपनी में मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या क्या है। भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां ये हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कंपनी के कंट्रोल्स को सेटअप करना है और साथ साथ प्रॉपरली डिजाइन और इम्प्लीमेंट भी करना है, उन्होंने ऑडिटर को तमाम इंफॉर्मेशन देनी है, उन्होंने अकाउंट्स बनाने हैं, उन्होंने हर मांगी जाने वाली चीज प्रोवाइड करनी है, ऑडिटर की हेल्प करनी है, अगर वो किसी जगह की एक्सेस मांग रहा है तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करनी, उसको उसका काम करने से रोकना नहीं है, फ्रॉड को प्रिवेंट करना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। और ऑडिट एंड के ऊपर बेचारे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना, लिख के देना कि भाई हमने आपको तमाम डाटा जो प्रोवाइड किया है आपने उसी डाटा का ऑडिट किया और हमने अपनी तरफ से कोई डाटा मिस नहीं किया, ये मैनेजमेंट ने लिख के देना होता है ऑडिट एंड के ऊपर। हमने आपको तमाम तर बुक्स, तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर अकाउंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं जिसके मुताबिक आपने हमारी कंपनी का ऑडिट किया। तो फ्रॉड, कंट्रोल्स, अकाउंट्स बनाना, ऑडिटर को खुश रखना, अकाउंट देते रहना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना, एक्सेस प्रोवाइड करते रहना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना, ये 5-6 मेन जिम्मेदारियां हैं किसकी, मैनेजमेंट की या दो साल वर्क गवर्नेंस की। होपफुली बातें यहां तक क्लियर हैं। मुझे बताइए क्या ऑडिट आपके फंक्शन में, कंपनी की परफॉर्मेंस में क्या कोई वैल्यू एड करता है या जस्ट आपको लगता है कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि मजबूरन हमें पूरी करना पड़ती है, क्या वाकई में कोई वैल्यू एड होती है कंपनी अगर हमने ऑडिट करवाती है तो, अगर होती है तो क्या सोचे क्या वैल्यू एड होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मजीद क्रेडिबल हो जाते हैं, मजीद ऑथेंटिकेटेड हो जाते हैं। भाई अगर आपको लोन चाहिए ना और आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो खाली आपके अकाउंट्स बनाने पे आपको बैंक लोन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि बैंक को डाउट है कि यार ये जो उसने अकाउंट्स बना के मुझे दी है हो सकता है कि अकाउंट्स जाली हो, भाई किसी ने वेरीफाई नहीं किया, कोई थर्ड पार्टी आए इसको वेरीफाई करे तब मैं जाके मानूं कि वाकई में ये अकाउंट सही बने हुए हैं या नहीं, तो उसकी वेरिफिकेशन होना मस्ट है। मैनेजमेंट ने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म की या नहीं की या नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म की है या नहीं की ये हमें पता चल जाता है ऑडिट से। कंट्रोल्स कितने ज्यादा इफेक्टिव है हमें इसका आइडिया मिल जाता है, जहां पे कंट्रोल्स लैक कर रहे हों तो ऑडिटर मैनेजमेंट लेटर के अंदर या लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर ये बता के जाता है कि भाई तुम्हारे कंट्रोल्स में यहाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, करना चाहते हो तो कर लो। याद रखिएगा कंट्रोल्स के ऊपर किसी तरह की कोई ओपिनियन नहीं देता, कंट्रोल्स के ऊपर किसी तरह की ओपिनियन, किसी तरह की रिपोर्ट नहीं देनी उसने, उसने जस्ट एक फीडबैक देना है, उसने जस्ट ये बताना है कि भाई मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशंस हैं, चाहो तो इम्प्लीमेंट कर लो चाहो तो ना करो। फिर ऑडिट होने से कंपनी में फ्रॉड का, रिस्क का चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं और ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस मजीद इनहांस हो जाती है। अभी मैं आपके कोई सवाल नहीं देख रहा, जब आपसे कहूंगा कि जनाब सवाल की तरफ आए तब मैं उसको फोकस करूंगा। हमें एडवांटेजेस समझ आए, हमें एडवांटेजेस समझ आए, अब जरा बात करते हैं अश्योरेंस की। अश्योरेंस क्या है, अश्योरेंस किसे कहते हैं, चलें इसको समझते हैं एक मिसाल से। लेट्स से कि लेट्स से आपने अपनी फैमिली के साथ, यू प्लस फैमिली, आपने मरी का ट्रिप प्लान किया है और आपने जाना है मरी अपनी गाड़ी पे, तो आपने क्या किया, मरी जाने से 2 दिन पहले वो गाड़ी लेके चले गए एक मैकेनिक के पास और उस मैकेनिक को बोला कि यार मैंने अपनी फैमिली के साथ मरी जाना, जरा चेक करके बताओ गाड़ी अपनी असली हालत में है, क्या ये गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती।
मैकेनिक ने कहा सर लाइंस को चेक करते हैं। मैकेनिक ने गाड़ी सारी चेक की, उसमें कुछ मसले निकाले, कुछ कुछ पुर्जे चेंज किए, तेल पानी चेक किया। उसने कहा सर अब गाड़ी आपकी उस कंडीशन में है कि आप इसको लेके जा सकते हैं मरी। यहां तक मिसाल समझ आ गई? यहां तक मिसाल समझ आई? आप आपकी फैमिली मरी जाना है, गाड़ी पे जाना है, और आपने जाने से पहले एक मैकेनिक को ऐड किया जिसको आपने गाड़ी दिखाई। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो आपने मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? एक आप, एक आपकी फैमिली और एक वो मैकेनिक। मुझे बताइए गाड़ी को इस्तेमाल किसने करना? गाड़ी को इस्तेमाल किसने करना? क्या मैकेनिक ने इस्तेमाल करना है, आपने इस्तेमाल करना है, या आपकी फैमिली ने इस्तेमाल करना? फैमिली ने इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि फैमिली है आपकी इंटेंडेड यूजर, फैमिली है आपकी इंटेंडेड यूजर। गाड़ी को चेक किसने किया? गाड़ी को चेक किसने किया है? मैकेनिक ने। तो मैकेनिक कौन हुआ? मैकेनिक कौन होगा? मैकेनिक है आपका चेकर, जिसको प्यार से हम लोग कहते हैं प्रैक्टिशनर, अश्योरेंस की टर्म में। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि आपने गाड़ी को चेक करवाना था, आप थे रिस्पॉन्सिबल पार्टी। आप कौन है? आप हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि आपने ये गाड़ी चेक करवा के लेकर आनी थी। अच्छा, तो इसको हम कंप्लीट कहते हैं कि ये एक थ्री पार्टी रिलेशनशिप है। तीन लोग है ना, आप, मैकेनिक और फैमिली। अच्छा, किस चीज को चेक करवाना, किस चीज को चेक करवाना था? गाड़ी को। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? गाड़ी। सब्जेक्ट मैटर क्या है? गाड़ी। अच्छा, जब आप गाड़ी लेकर गए हैं प्रैक्टिशनर के पास, मैकेनिक के पास, एक्सपर्ट के पास, तो उसने वो गाड़ी चेक की होगी, तो चेक करते टाइम उसने कुछ टूल्स इस्तेमाल किए होंगे, उसने कुछ अपनी नॉलेज इस्तेमाल की होगी, उसने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया होगा। इट मींस कि उसने कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाया, उसने कोई ना कोई क्राइटेरिया उसके ऊपर लगाया। फिर जब उसने गाड़ी को उस क्राइटेरिया के साथ मैच किया और उसने आपको बताया कि सर यहाँ पे ये सामान लगेगा, इतना तेल कम होगा, इतना पानी ऐड होगा, इतनी बैटरी को मजीद चार्ज करने की जरूरत है, उसने बहुत सारी बातें आपको बता दी। इसका मतलब है कि उसने आपको एविडेंस प्रोवाइड किया, उसने आपको एविडेंस प्रोवाइड कर दिया। जब उसने मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर किया सूटेबल क्राइटेरिया के साथ, उसने आपको बताया कि सर ये जगह पे मसले आ रहे हैं। और जब उसने गाड़ी आपके हवाले की तो उसने आपको एक अश्योरेंस रिपोर्ट बना के दी, लिख के दिया कि सर अब यह गाड़ी बाहर आप मरी लेके जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अश्योरेंस के अंदर पांच एलिमेंट्स होते हैं, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और अश्योरेंस रिपोर्ट। पांच बातें हैं, थ्री पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया और अश्योरेंस रिपोर्ट। ऑडिट के अंदर याद रखिएगा, जो हम अश्योरेंस देते हैं वो 100% यानी कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती, वो होती है रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, और ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है, इसको हम नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। हम ये लिखते हैं कि जनाब हमारी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं,
ये है पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करने का तरीका कि हमारी नजर में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। फिर रिव्यू के अंदर हम लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं, किसमें देते हैं, रिव्यू के अंदर। इसको हम मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस भी कहते हैं, इसको हम नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस भी कहते हैं। रिव्यू में क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप उस कम टाइम में चीजों को सरसरी सा देखते हैं और कहते हैं, अल्फाज में गौर करना है, मेरी नजर में ऐसा कोई एरर, ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट सामने नहीं आई जो कि मुझे ये मानने पे मजबूर कर दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती हो। मेरी नजर में मेरे सामने ऐसी कोई गलती, कोई मिसस्टेटमेंट, कोई फ्रॉड, कुछ तरह की कोई चीज नहीं आई जो कि मुझे ये मानने पे मजबूर कर दे कि तुम्हारे अकाउंट सही नहीं बने हुए। ये है लिमिटेड अश्योरेंस कि आपने दो दफा नेगेटिव टोन यूज किए। इन माय ओपिनियन नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन दैट कॉजेस मी टू बिलीव कि अकाउंट्स तुम्हारे गलत बने। ये कहां पे इस्तेमाल करनी है, रिव्यू में इस्तेमाल करनी है। रिव्यू का क्या कोई हमारे पास चैप्टर है? यस, चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 14 के अंदर जब हम लोग ऑडिट को कंक्लूड करते हैं तो हम रीजनेबल अश्योरेंस के साथ चल रहे होते हैं। क्या हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ऑडिट के अंदर अपने अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस शामिल हैं। कॉस्ट बहुत हाई है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो रही होती है, हम लोग एस्टिमेट्स पे काम कर रहे होते हैं, फ्रॉड कुछ बाया नहीं जाता, सैंपलिंग पे काम करते हैं, ऑडिट एविडेंस परसुवेसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता, जजमेंटल है, बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते, हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे होते हैं। तो ऑडिट में याद रखना है रीजनेबल है और रिव्यू में याद रखना है मॉडरेट। जितना अभी तक हम लोगों ने कवर किया है ना जनाब, ये वो एरिया है जहां से आईकैप सवाल असल में बनाता है, ये वो एरिया है जहां से आईकैप सवाल असल में बनाता है। अच्छा, किताब में एक टॉपिक और है, यूनिट 4। यूनिट 4 बेसिकली बात करता है कि आईफैक क्या है, आईएसबी क्या है, स्टैंडर्ड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स इशू किस तरीके से होते हैं। इसके ऊपर रिवीजन क्लास के अंदर डिबेट करना इतना इफेक्टिव नहीं है। मैं आपको इस स्पेसिफिक डिस्कशन की वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, उसी ग्रुप में डाल दूंगा उसका लिंक, आप वो वहां से उतना लेक्चर वॉच कर सकते हैं। रिवीजन क्लास के अंदर हम लोग का फोकस ये होगा कि जनाब इंपॉर्टेंट एरिया को टारगेट बनाया जाए। अदरवाइज आईफैक क्या है, आईएसबी क्या है, स्टैंडर्ड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो कि आईकैप ना तो पूछनी है ना वो पूछता है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि जनाब कंप्लीटनेस के लिए आपको वो देख लेनी चाहिए तो मैं उसका लिंक आज प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो का घंटे की वीडियो होगी, आप उसको 1.5 पर चला के देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां तक मुझे बताइए कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, यहां तक ऑल क्लियर जी? यहां तक ऑल डन? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो काइंडली ऐड हो जाएं। मैं आपको क्लास के एंड के ऊपर तरीका भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा जी, कंपनी लॉ का पोर्शन शुरू करते हैं। हमारे पास आखिरी 35 मिनट है जिसमें हम लोगों ने इस एरिया को कवर करना है, कंपनी लॉ का पोर्शन। ब्रेक चाहिए 5 मिनट की या शुरू करें? एरिया मजे का है, एरिया इंपॉर्टेंट भी है। शुरू करूं या 5 मिनट की ब्रेक चाहिए? शुरू करते हैं। कंपनी लॉ के पोर्शन में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2017 के बारे में क्या बातें करता है। भाई पहला ऑडिटर जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब एक कंपनी बनती है तो उसका पहला ऑडिटर आपने विद इन 90 डेज अपॉइंट कर लेना है। और कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे।
और उस ऑल्टर की मुद्दत कब तक होगी? पहली एजीएम तक। अब एजीएम क्या है, आई होप कि आपको ये पता होगा। अच्छा, पहली एजीएम हुई उसके बाद से ऑनवर्ड्स जितने आने वाले ऑडिटर हैं, चाहे वो नया है या चाहे वो पुराना वाला ही कंटिन्यू कर रहा है, एजीएम के बाद, पहली एजीएम के बाद हर आने वाला ऑडिटर कहलाएगा सबसिक्वेंट ऑडिटर। और हर ऑडिट की मुद्दत कब तक होगी? अगली एजीएम तक। सबसिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट हो रहा है? उसी एजीएम पे जिस एजीएम पे पिछले वाला रिटायर हो रहा है। अगर पिछले वाला रिटायर होके दोबारा से अपॉइंट हो रहा है, उसको भी हम सबसिक्वेंट ऑडिटर कहेंगे, उसको भी हम सबसिक्वेंट ऑडिटर कहेंगे। सबसिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा है? मेंबर्स। किसकी रिकमेंडेशन पे? बोर्ड की। कैजुअल वैकेंसी क्या है कि ड्यूरिंग दी ऑडिट ऑडिटर छोड़ के चला जाए, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर छोड़ के चला जाए, वो कहलाती है कैजुअल वैकेंसी। वो किसी भी रीजन की वजह से छोड़ के जा सकता है। कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल किसने करना है? डायरेक्टर्स ने करना है। कब करना है? उस वैकेंसी के क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर। और वो वाला ऑडिटर भी कब तक रहेगा? अगली एजीएम तक रहेगा। तो पहला ऑडिटर, सबसिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन अपॉइंट कर रहा है, कब तक अपॉइंटमेंट होनी है और इनका अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर पहला ऑडिटर टाइम पे अपॉइंट ना हो, अगर सबसिक्वेंट ऑडिटर एजीएम पे अपॉइंट ना किया जाए, अगर कैजुअल वैकेंसी 30 दिनों में अपॉइंट नहीं हो रही है, तीनों केसेस में क्या होगा? एससीसीपी ऑडिटर लेकर आएगा। यानी कि अगर पहला अपने टाइम पे अपॉइंट नहीं हुआ, सबसिक्वेंट अपने टाइम पे अपॉइंट नहीं हुआ, कैजुअल वैकेंसी, तीनों को अगर मैं क्रॉस लगा दूं, तो अब जो ऑडिटर आएगा वो एससीपी लेकर आएगा। फिर अगर एक ऑडिटर आपने अपॉइंट कर लिया है और मगर अपॉइंटमेंट के बाद आपने उसको इतना तंग किया कि वो कहता है कि जनाब मुझे ये ऑडिट छोड़ के जाना है, अपॉइंटेड बंदा अनविलिंग है, अपॉइंटेड बंदा आपका ऑडिट नहीं करना चाहता, उसको इतने मसे मिल गए हैं या मैनेजमेंट इतना कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो उस केस में भी जब वो छोड़ के जाएगा, जब वो रिजाइन दे के जाएगा, जब वो भाग जाएगा, अगला ऑडिटर एससीसीपी लेकर आएगा। तो ये चार बातें याद रखनी है। सवाल आपसे किया जाता है आईकैब में कि जनाब बताइए कौन कौन से केसेस में, भी रिसेंटली भी आया, कौन कौन से केसेस में एसईसीपी ऑडिटर लेकर आती है, तो ये चार बातें तो आपको पता होनी चाहिए। फिर एक बात और याद रखनी है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसके पैसे भी डिसाइड करती है। यानी कि जो शख्स ऑडिटर को अपॉइंट करके ले आ रहा है, उसी ने उसके पैसे, उसकी रेमुनरेशन को भी डिसाइड करना है। यहां तक बात समझ आ गई? अगर आपने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया है और मैनेजमेंट को डर पड़ जाए कि भाई ये तो हमारे फ्रॉड तक पहुंच जाएगा, इसके हाथ तो वो एविडेंस लगना शुरू हो गया है, तो अगर मैनेजमेंट चाहे तो ड्यूरिंग ऑडिट भी ऑडिटर को निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। यस, अगर मैनेजमेंट चाहे तो ड्यूरिंग ऑडिट भी, मैनेजमेंट अगर उसको लगता है कि भाई ये तो बंदा हमारे खिलाफ जा रहा है, तो वो ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिट के चलते हुए, आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, वो उस बंदे को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि ऑर्डर को रिमूव किया जा सकता है एजीएम से पहले पहले बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, और उसके बाद जो अगला ऑडिटर आएगा वो एससीपी खुद लेकर नहीं आएगा, मगर उसकी अप्रूवल के बाद आएगा। तो ये स्लाइड मुझे बताइए क्लियर है? इस एक स्लाइड में हमने बहुत बातें की हैं, क्या ये सारी की सारी बातें क्लियर है? क्या ये सारी बातें क्लियर है? अच्छा जी, अब
पिछला जाएगा कैसे और अगला आएगा कैसे, इसकी भी एक कहानी है। याद रखिएगा, मेंबर, हर वो मेंबर या मिला के मेंबर्स अगर 10% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, सिंगल भी हो सकता है या कुछ मिला के अगर 10% की शेयर होल्डिंग रखें, तो वो कंपनी को एक नया नाम प्रपोज कर सकते हैं अगले आने वाले ऑडिटर का। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कंपनी के 7% शेयर हैं, तो मैं अकेला अगला ऑडिटर का नया जो नाम है वो प्रपोज नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं चेंज करवाना चाहता हूँ ऑडिटर बींग अ शेयर होल्डर, तो मेरे पास कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग होना जरूरी है। मेरे पास अभी कितनी है, 7%। मैंने क्या किया, मैंने एक दोस्त को पकड़ा, उसके पास थी 4%, तो मेरे साथ और उसके 4, 11% हो गए। अब हम दोनों मिल के ये काम कर सकते हैं कि हम नए ऑडिटर का नाम कंपनी को प्रपोज कर दें कि भाई हम ये चाहते हैं कि अगली दफा आप इससे ऑडिट करवाएं। फाइनल नहीं किया, प्रपोज किया। मगर याद रखिएगा, ऑडिटर का नाम प्रपोज करने से पहले उस बेचारे मासूम से पूछ लेना कि भाई क्या तुम वाकई में ऑडिट करना चाहते भी हो या नहीं हो, तो उसकी कंसेंट पहले लें और उसके बाद आप उसका नाम आगे प्रपोज कर दें। प्रपोज कब कर सकते हैं, एजीएम से 7 दिन पहले पहले। यानी कि एजीएम से 7 दिन पहले पहले मेंबर्स जो कि कम से कम 10% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, उनको नोटिस देकर ये बताना पड़ेगा कंपनी को कि अगली दफा के लिए हम ये नया बंदा आपको प्रपोज कर रहे हैं। इसका नाम भी एजीएम पे रखें ताकि वोटिंग हो और फिर डिसाइड किया जाए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कंपनी को जैसे ही ये नोटिस मिलेगा, कंपनी फौरन से रिटायरिंग को भी बता देगी और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देगी। रिटायरिंग ऑडिटर के पास अब ये राइट आ जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेशन बनाएगा और वो कंपनी को 2 दिन पहले, यानी कि एजीएम से 2 दिन पहले वो रिप्रेजेंटेशन जमा करवाएगा और वो रिप्रेजेंटेशन मीटिंग के अंदर बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाई जाएगी। अपॉइंटमेंट के टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होने के टाइम पे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपने रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर अंदर हर केस में बताते रहना है, उसको आपने इंटीमेट करते ही रहना है। तो ये पूरी कहानी है कि पिछला जाएगा कैसे और अगला आएगा कैसे। मुझे बताइए यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहां तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। सारी बातें क्लियर है? अब याद रखना है कि पब्लिक कंपनी, सारी की सारी जितनी कंपनियां पब्लिक हैं, यहां से ऑनवर्ड्स आधा घंटा जरा अटेंटिव हो जाएं। हर वो कंपनी जो कि एक पब्लिक कंपनी है, एक सेकंड आपको समझाता हूं। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। एक होती पब्लिक कंपनी, एक होती प्राइवेट कंपनी। कंपनी एक्ट ये कहता है कि हर पब्लिक कंपनी का ऑडिटर आईकैप का नुमाइंदा होना चाहिए, यानी कि उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो किसके, आईकैप से। यानी कि अगर मैं फर्म की बात करूं तो दैट शुड बी अ सीए फर्म, और सीए फर्म कौन सी, आईकैप वाली, जो आईकैप से इलहाक करती है। हर पब्लिक कंपनी इनसे ऑडिट करवाएगी, तो इनके लिए क्या हुक्म है प्राइवेट के लिए? प्राइवेट के लिए वो कहता है कि प्राइवेट में मैंने कुछ ब्रेकअप आपको दे दिया जनाब। वो ब्रेकअप क्या है, अगर तो वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो उसके लिए भी यही रूल है, उसके लिए भी यही रूल है। तो प्राइवेट में अगर वो सब्सिडरी है किसी पब्लिक की, तो उसके लिए भी सेम रूल है। अगर वो प्राइवेट सब्सिडरी नहीं है किसी पब्लिक की, लेट्स सपोज वो सिंपल एक प्राइवेट कंपनी है, तो देखना है कि उसका शेयर कैपिटल कितना है, उसका शेयर कैपिटल कितना है। अगर तो उसका शेयर कैपिटल, अगर तो उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन या उससे ऊपर है,
अगर उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन या उससे ऊपर है तो उसका ऑडिट कौन करेगा? अगेन सेम रूल विल फॉलो. शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 3 मिलियन या लेस देन 3 मिलियन, तो अगर तो ग्रेटर देन 3 मिलियन है, सेम रूल. तो अब आपको यह पता चल चुका है क्वालिफिकेशन के अंदर कि सीए फर्म जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, या एक ऑडिटर जो कि आईकैप वाला हो, जिसने आईकैप से क्वालिफिकेशन हासिल की है, आईकैप से पास आउट है, एसीए है, एफसीए है, जो भी है, वो हर पब्लिक कंपनी का ऑडिट कर सकता है. प्राइवेट के अंदर अगर वो प्राइवेट सब्सिडरी है पब्लिक की, उसका ऑडिट कर सकता है. और अगर वो प्राइवेट सब्सिडरी नहीं है तो देखो कि जनाब उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है, तो यस उसका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीए वाला बंदा ही कर सकता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम है, उसका ऑडिट सीए भी कर सकता है और सीएमए भाई भी कर सकते हैं. सीएमए भाई कौन है? जो कि आईसीएमएपी से ताल्लुक रखते हैं. जिस तरह हमारा आईकैप है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए आईसीएमएपी एक इदारा है जो कि आपको फिरोजपुर रोड पे मिलता है लाहौर के अंदर. तो फॉर कंपनीज अदर देन द अबव, इन कंपनीज को छोड़ के अगर कोई और कंपनी है जो कि नॉर्मली वो कंपनी होती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, उसका ऑडिट सीए भी कर सकता है और आईसीएमएपी वाला बंदा भी कर सकता है. एक फर्म को सीए फर्म कब कहलाया जाता है? एक फर्म को सीए फर्म उस वक्त कहलाया जाएगा जब उसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर सीए के बंदे हो. एक फर्म को सीए फर्म उस वक्त कहलाया जाता है जब उसमें मेजोरिटी पार्टनर्स, मैंने ये नहीं कहा कि 50% से ज्यादा, मैंने कहा मेजोरिटी पार्टनर्स. वो 50% से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेजोरिटी आपने देखनी है. अगर 7 पार्टनर्स हों और 7 पार्टनर्स में से 2 आईकैप के हों, 1 ACCA का हो, 1 ICW का हो, 1 ICMAP का हो, तो 2 out of 7 ये मेजोरिटी हो गई, तो यस ये फर्म सीए फर्म कहलाएगी. मेजोरिटी देखनी है आपने यहाँ पे. हर वो पार्टनर जो कि क्वालिफाइड है, सीए है, वही उस रिपोर्ट पे साइन कर सकता है. अच्छा, उसके बाद एक लिस्ट आती है हमारे पास, 11 पॉइंट्स की लिस्ट है ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस. मगर उससे पहले आपको ये आपको मैं बता दूं कि इसमें जो राइट्स और ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपने रीड ओनली करना है. जब आप किताब में देखेंगे ना कंपनी एक्ट वाला पोर्शन, तो यहाँ पे आपको राइट्स और ड्यूटीज भी नजर आ रही होंगी, वो आपने सिर्फ पढ़ लेना, पढ़ के इस तरह मुस्कुरा देना, क्योंकि वो सारी बातें आप आगे आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट एरियाज में कवर करते जाते हैं. यहां तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, फिर हम डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट को शुरू करते हैं. कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी यहां तक अगर है तो मुझे बताइए. आपने कोई सवाल अगर रखा हुआ है तो मुझे बताइए. सर, ऑडिट एविडेंस इज परसुवेसिव नॉट कंक्लूसिव, इसको जरा एक शॉर्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. सुन लें, आप जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो आप जाते हैं साल के एंड पर, और कंपनी की तमाम ट्रांजैक्शंस जो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस हैं वो साल के शुरू में हो रही होती हैं. अच्छा, आप ऑडिट करने के लिए पहुंचते हैं तो कंपनी आपसे कहती है कि सर ये हमने कुछ एसी परचेज किए हैं, 10 ACs जो कि हमने परचेज किए हैं 3rd महीने में, और वो आपको उसकी रसीद दिखा देते हैं और कहते हैं कि सर वो देखिए दीवार पे लगे हुए एसी, आप जाके चेक कर सकते हैं. अब ये रसीद और दीवार पे लगे हुए एसी मुझे ये मानने पे मजबूर कर रहे हैं, मुझे परसुवेड कर रहे हैं कि वाकई में कंपनी ने ये एसी खरीदे. ये जो एविडेंस मुझे मिला है रसीद की फॉर्म में, दीवार पर लगे हुए एसी की फॉर्म में, ये मुझे मानने पे मजबूर करवा रहे हैं कि वाकई में कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन की है. तो ये है परसुवेसिव. ये कंक्लूसिव उस वक्त होता जब मेरे सामने ये एसी कंपनी ने मंगवाए होते, मेरे सामने इन इन एसीज की
ट्रेडिंग हुई होती, मेरे सामने ये एसी कंपनी में आए होते, इन्होंने पैसे पे किए होते, मेरे सामने ये फिट हुए होते, तो दैट वुड हैव बीन मोर कंक्लूसिव। अभी ये सिर्फ रसीदें और दीवार पर लगा हुआ एसी मेरा मजाक उड़ा के कह रहे हैं कि सर मजबूर है आपको मानना पड़ेगा, दैट इज परसुवेसिव। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, कुछ चीजें मैंने इसमें से स्किप की हैं जो कि आप आगे जाके देखेंगे, जैसे स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन है, मटेरियलिटी की डेफिनेशन है, मैंने आपको थोड़ी सी आगे कैरी फॉरवर्ड करवाई है। तो चैप्टर वन बेसिकली ना बहुत सारी बातें मिक्स करता है, हमने रेलेवेंट रहना और जहां जहां पे जो एरियाज टारगेट कर रहे हैं वहां पे उसको लिंक करके पढ़ना। जैसे इंटरिम और फाइनल है, अब ये यहाँ पे भी है और चैप्टर थ्री में भी आएगा, तो हम उसको रेलेवेंट चैप्टर नंबर थ्री में कवर करेंगे। जी, आईसीएमएपी वाले पब्लिक ऑडिट नहीं कर सकते, प्राइवेट जो कि सब्सिडरी पब्लिक की उसका ऑडिट नहीं कर सकते, वो प्राइवेट जो 3 मिलियन से ऊपर है उसका ऑडिट नहीं कर सकते, वो किसका करेंगे, वो प्राइवेट जो 3 मिलियन से कम शेयर कैपिटल रखती हो। और मजे की बात है वहां पे भी सीए वालों को डाल दिया गया, वहां पे भी सीए वालों को डाल दिया गया है। जी, कैजुअल वैकेंसी में भी आपको रजिस्ट्रार को दो दफा, जब जब अपॉइंटमेंट हो रही है, जब जब रिमूवल हो रही है, जब जब वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तब तब आपने रजिस्ट्रार को साथ साथ बताते रहना विद इन 14 डेज ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। ऑडिट और अश्योरेंस, अश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है, ऑडिट जस्ट अकाउंट से रेलिवेंट है, तो अगर आप अकाउंट्स की बात करेंगे तो अश्योरेंस को हम ऑडिट कहते हैं। जी, पीछे एक कॉन्सेप्ट आया था मेरे पास, कहां गया, मेजॉरिटी वाला। अब सुने, एक फर्म के, लेट्स से मैं कहता हूं कि जनाब एक फर्म के हैं 5 पार्टनर्स, 2 पार्टनर है आईकैप वाले, 1 पार्टनर है एसीसीए वाला और 1 पार्टनर है लेट्स से आईसीडब्ल्यू वाला और 1 है एमबीए। ये 5 पार्टनर्स है जो कि फर्म चला रहे हैं। अब अगर गौर से देखा जाए तो 2 बंदे आईकैप के हैं, 1 एसीसीए का है, 1 आईसीडब्ल्यू का है और 1 एमबीए का है। मुझे बताइए 2/5 कितना होगा, 2/5 का आंसर क्या आता, व्हाट इज एक्चुअली 2/5, 40%। अब मजे की बात यह है कि इस मेजॉरिटी को डिफाइन नहीं किया कि क्या ये वाकई में मेजॉरिटी 50% से ऊपर है या नहीं। मेजॉरिटी का ये जो वर्ड है ना, दैट इज क्वालिटेटिव वर्ड, नॉट क्वांटिटेटिव वर्ड। मेजॉरिटी आप कुछ भी रख सकते हैं, तो नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि क्वांटिटी वाइज पहले देख लो कि कौन से बंदे ज्यादा हैं। अगर तो ये बंदे ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि ये फर्म सीए फर्म है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 6 में से 3 आईकैप वाले हैं और 3 एसीसीए वाले हैं, तो क्या अब ये फर्म सीए फर्म कहलाएगी? 6 पार्टनर्स हैं, 3 आईकैप के हैं, 3 एसीसीए के हैं, क्या अब ये फर्म सीए फर्म कहला सकती है? भाई 3/6 तो 50% होता है, 3/6 तो 50% होता है, नहीं कहला सकती। इनको करना ये पड़ेगा कि अगर उसको सीए फर्म बनाना है तो आपको एक बाहर से बंदा इन करना पड़ेगा जो कि आईकैप वाला हो, और फिर 4 बंदे। अब मुझे बताइए परसेंटेज क्या आती है 4/7 की, 4/7 की परसेंटेज क्या आएगी? 57%। अब ये फर्म सीए फर्म बन गई है। तो ये डिपेंड करता है, पहले क्वांटिफाई कर लो और अगर क्वांटिफाई में मसला आ रहा तो फिर उसको क्वालिटेटिव फॉर्म में लाके असेस कर लो। एसीसीए एसीएमए आईसीडब्ल्यू वाले बंदे याद रखिएगा अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, बात सुने,
एसीसीए वाले बंदे, आईसीडब्ल्यू वाले बंदे, आईसीएमपी वाले बंदे टीम को लेके जा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मगर रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं मगर रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। रिपोर्ट पे साइन करने के लिए उनको वापस रुजू करना पड़ेगा आईकैप वाले सीएस के पास। तो अगर एक फर्म में 6 पार्टनर्स हैं जिसमें से 4 आईकैप वाले हैं, 2 नॉन आईकैप हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 2 नॉन आईकैप कोई काम नहीं कर रहे, वो ऑडिट कंडक्ट करवाएंगे, टीम भेजेंगे, रिव्यू भी करेंगे, मगर रिपोर्ट पे साइन करने के लिए वो पहले 4 में से किसी का सहारा ले रहे होंगे। एम आई क्लियर? डन। अब एक काम करते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, टाइम हमारे पास कम है, अगले 10 मिनट के अंदर तो ये डिबेट हमारी हो नहीं पाएगी डिस्क्वालिफिकेशन की, तो डिस्क्वालिफिकेशन को कल के में ऐड करते हैं। तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्क्वालिफिकेशंस और 13वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। डन। आपने करना ये है कि चैप्टर नंबर 1 एक्सेप्ट डिस्क्वालिफिकेशन तैयार कर लेना है आज। चैप्टर 1 एक्सेप्ट डिस्क्वालिफिकेशन आपने तैयार कर लेना है। इसमें से इंपॉर्टेंट एरिया कौन से हैं? अश्योरेंस, ऑडिट के फायदे लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूं, ये जनाब लिख लें, इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, ऑडिट के फायदे, ऑडिट के डिसएडवांटेजेस, या जिसको हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशन भी बोलते हैं, उसके बाद डेफिनेशन स्केप्टिसिज्म की, मटेरियलिटी की, प्रोफेशनल जजमेंट की, ये किताब में आपको मिल जाएगी, और उसके अलावा कंपनीज एक्ट कंप्लीट। 6 पॉइंट पे एक और चीज ऐड कर लें, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये कुछ एरियाज हैं जो कि आपको कम से कम आने चाहिए इस चैप्टर में से। अश्योरेंस, ऑडिट के नुकसान फायदे, कंपनीज एक्ट, डेफिनेशंस है कुछ, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डन जी, बात समझ आ गई यहां तक? जब मैंने कंपनी से कह दिया इसका मतलब है कि उसमें सब कुछ ही कवर हो गया। जब मैं वर्ड कंपनी से यूज कर रहा हूं तो उसमें एससीसीपी की अपॉइंटमेंट भी कवर हो जाती है ऑटोमेटिकली। डन जी, नोट करें ना, साथ साथ चीजों को लिख लिया करें, समझ लिया करें। अश्योरेंस की डेफिनेशन मैं दोबारा बोलता हूं, अश्योरेंस की डेफिनेशन, ऑडिट के फायदे, ऑडिट के नुकसान या लिमिटेशंस, स्केप्टिसिज्म, जजमेंट, मटेरियलिटी की डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट पूरा, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाकी चीजें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा साथ साथ। आपसे मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। होपफुली आज से ऑनवर्ड्स आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और कल से हम लोग क्लास को एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट कर देंगे। आज कुछ ज्वाइनिंग इश्यूज भी थे क्योंकि फर्स्ट डे था, तो कल से हम लोग 9 बजे अपनी कहानी को शुरू कर दिया करेंगे। और आपको पता है कि हमारे इन 10 दिनों के अंदर 2 संडेज भी आ रहे हैं और वो दोनों संडेज ऑन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।